दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा वैशाली ठक्कर ने बीते 16 अक्टूबर को फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया, जिनके सुसाइड पर सभी सदमे में जा चुके हैं। जहां इन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना का किरदार निभाकर दर्शकों से इतना प्यार बटोरा था, तो वहीं आज महज इनकी यादें दर्शकों के बीच रह गई हैं। जहां हर कोई इनके सुसाइड पर अपना रिएक्शन देता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इनके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के कुछ सितारे भी इनके सुसाइड पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। और इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों द्वारा दिए गए रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, शिवांगी जोशी। सबसे पहले बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा का किरदार निभाती नजर आ चुकी अभिनेत्री शिवांगी जोशी की, जिन्होंने अपनी को स्टार वैशाली ठक्कर के इस सुसाइड पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ब्रेव होने के बावजूद भी तुम ऐसा कदम उठाओगी, क्योंकि तुम वो लड़की थी जो हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देती थी और आज इस मुसीबत से तुम हार मान गई। ऐसा मैं कैसे मान लूं? मुझे बहुत दुख है कि इतनी ब्रेव होने के बावजूद भी आज वैशाली ठक्कर हमारे बीच नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नंबर दो, मोहसिन खान। अब बात करते हैं सीरियल में कार्तिक का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता मोहसिन खान का, जिनका बॉन्ड वैशाली ठक्कर के साथ काफी अच्छा था। साथ ही ये सेट पर भी काफी मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आते थे और जब इनसे वैशाली ठक्कर के सुसाइड के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वैशाली अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो एक जिंदा दिल इंसान थी जो हर किसी को हंसाने के लिए कुछ भी कर देती थी और उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। खैर, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। नंबर तीन, रोहन मेहरा। सीरियल में नक्श का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता रोहन मेहरा ने भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि किसी भी इंसान को इतना टॉर्चर करना कि वो अपनी जान ही ले ले, ये कहां की समझदारी है। और जिसने भी वैशाली ठक्कर को इस सिचुएशन तक आने के लिए मजबूर किया है, मैं चाहूंगा कि उन्हें जरूर सजा मिले। और वैशाली ठक्कर के सुसाइड के सदमे से मैं आज भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, क्योंकि वो एक खुश मिजाज इंसान थी जिनके लिए सभी काफी ज्यादा उदास हैं। वेल दोस्तों, एक टैलेंटेड अभिनेत्री के इस तरह सुसाइड करने पर आपका क्या रिएक्शन है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।